बड़ी खबर का रुख करते हैं चांद पर। लैंडिंग के बाद चंद्रयान ने तस्वीर भेज दी है, चांद की पहली तस्वीर भेज दी है। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान से बाहर निकलकर अपने अभियान पर काम शुरू कर चुका है और रोवर ने चांद की सतह पर चहलकदमी करने के 2 घंटे के अंदर ही पहली तस्वीर भेज दी है। तो बड़ी खबर, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का जो मकसद है उस पर अब प्रज्ञान रोवर ने काम शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर के बाद अब प्रज्ञान जब बाहर आ गया है, 2 घंटे के भीतर ही प्रज्ञान ने पहली तस्वीर भेज दी है। उधर चंद्रयान की लैंडिंग हुई और इधर विक्रम और प्रज्ञान आम आदमी की जुबान पर चढ़ गए। मेरठ का एक परिवार मानो इसी पल का इंतजार कर रहा था। इस परिवार में कल सुबह बच्चे ने जन्म लिया और चंद्रयान की लैंडिंग के बाद उसका नामकरण हुआ, नाम रखा गया विक्रम, क्योंकि लैंडर का यही नाम है। आप तो जानते ही हैं, इस परिवार ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि अगर 23 तारीख को बेटा हुआ तो नाम विक्रम रखेंगे। मेरठ से हमारे संवाददाता इस परिवार के पास नानी है। अच्छा, दरअसल आज देश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि चंद्रयान जिस प्रकार से आज वहाँ लैंड हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, हमारे देश का एक बहुत अच्छा नाम पूरे विश्व में गया है। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चे का नाम ये रखूँ जिससे मेरा बच्चा भी कल को देश का नाम इसी प्रकार रोशन करे। जब मेरे बेटे का सुबह जन्म 7:12 पे हुआ तभी मेरे मन में आ गया था कि अगर आज शाम को हमारा देश इस बुलंदी पर पहुँच जाएगा तो मैं निश्चित रूप से अपने बच्चे का नाम इसी प्रकार से रखूंगा। क्या विक्रम? विक्रम, विक्रम। अच्छा मैम, आप क्या नाम है आपका? श्वेता। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आपने भी पहले ही सोचा था? कैसा लग रहा है बच्चे का नाम विक्रम रखने? बहुत अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।